दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव साइंस के एक और नई वीडियो में। हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में मैं आपको क्लच और ब्रेकिंग के बारे में बताने वाला हूं कि किन किन कंडीशन में आपको क्लच पहले दबाना है और कब आपको ब्रेक पहले दबाना है और दोनों कब हमें साथ में दबाना है। तीन कंडीशन आपको मैं बताने वाला हूँ, अलग अलग सिचुएशन बताने वाला हूँ कि कब कब कैसे कैसे आपको क्लच और ब्रेक का इस्तेमाल करना है। तो चलिए दोस्तों हम डायरेक्टली लाइव प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं। तो अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, आपको आई होप मेरे फुट कंट्रोल्स वगैरह सब दिखाई दे रहे होंगे, तो चलिए चलते हैं। तो बेसिकली दोस्तों तीन तरीके होते हैं आपको अलग अलग क्लच कंट्रोल करने के लिए और ब्रेक लगाने के लिए। अभी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको ब्रेक कब दबाना है, ठीक है। अभी सपोज करिए मेरी गाड़ी कम से कम 40-50 की स्पीड पे चल रही है, मैं फोर्थ गियर में चल रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, अपनी गाड़ी को कंट्रोल करना है, तो सबसे पहला काम मेरा होगा ब्रेक दबाने का। तो सबसे पहले मैं आप यहाँ पे ब्रेक दबाऊंगा, जैसे कि मैं ये ब्रेक दबा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं क्लच नहीं दबाऊंगा, क्लच कब दबाऊंगा, मेरी गाड़ी की स्पीड जब 20 के नीचे आ जाएगी। अभी जैसे कि आ गई मेरी गाड़ी, तो अभी मैंने क्लच दबाया, अपनी गाड़ी को सेकेंड गियर में लिया, वापस क्लच रिलीज करा, एक्सीलेटर दे करके गाड़ी उठा ली। ये होती है पहली कंडीशन। जब अगर आप हाई स्पीड में होते हो तो सबसे पहले आपको ब्रेक दबाना है, उसके बाद ही आप क्लच को प्रेस करोगे ताकि आपकी गाड़ी बंद ना हो, ठीक है। अब एक सिचुएशन तो ये हो गई। अब इसके अलावा दो सिचुएशन अलग अलग है जिसमें आपको क्लच पहले दबाना है और एक कंडीशन ऐसी है जिसमें दोनों आपको साथ में दबाना है। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि कौन सी कंडीशन पर आपको क्लच पहले दबाना है, ठीक है। दूसरी तरह की कंडीशन सपोज करिए, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आपको गाड़ी स्लो करके बताता हूँ, ठीक है। अभी जैसे मैं सेकेंड गियर में हूँ, ठीक है, सेकेंड गियर में हूँ, गाड़ी मेरी बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सपोज़ करिए मैं ट्रैफिक में हूँ, ठीक है, अभी मैं सेकेंड गियर पे चल रहा हूँ, ट्रैफिक में हूँ। अब मेरी गाड़ी के आगे एक और गाड़ी है, उसने एकदम से ब्रेक लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे गाड़ी भी बंद नहीं करनी है, ठीक है। अब उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मेरी गाड़ी 20 की स्पीड से नीचे है, आरपीएम मेरे बहुत ज़्यादा डाउन है, अब मैं क्या करूँगा, गाड़ी रोकने के लिए मैं पहले क्लच दबाऊँगा फिर ब्रेक दबाऊँगा, जिससे मेरी गाड़ी रुक जाएगी और उसके बाद मैं फर्स्ट गियर में लूँगा गाड़ी और फिर धीरे से क्लच रिलीज़ करूँगा, एक्सीलेटर दूँगा और गाड़ी उठ जाएगी, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है जब भी आप ट्रैफिक में चल रहे हो, आपको कुछ नहीं करना है, बस जैसे ही सामने वाला गाड़ी रोकता है आपको क्लच दबा करके ब्रेक दबाना है, ये हो गया, बस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये हो गया अपनी दूसरी कंडीशन। अब एक तीसरी कंडीशन और होती है जिसमें आपको दोनों साथ में दबाना होती है। अब सपोज करिए दोस्तों आप ऐसी जगह पर चल रहे हो जहाँ पे गाड़ी स्लो चल रही है, स्लो के साथ साथ आपको बार बार रुकना पड़ रहा है, ठीक है। ये सिचुएशन हमेशा बार बार नहीं आती है, जब आप पैनिक कर जाते हो। अब पैनिक सिचुएशन में क्या होता है, अचानक से सामने कोई आ गया, ठीक है, अचानक से सामने कोई आ गया, एकदम से गाड़ी रोकनी, तो दोनों हमें साथ में दबा दिए, ये देखिए दोनों हमें साथ में दबाना है। वो इसलिए दबाना है क्योंकि आपको गाड़ी बंद भी नहीं करनी है और आपको गाड़ी भी रोकनी है। अब ये कंडीशन अभी कब आती है दोस्तों, जब आप मीडियम स्पीड पे चल रहे हो, मान लीजिए आप 20-30 की स्पीड पे चल रहे हो, तब ये कंडीशन को आपको फॉलो करना है। जब आप हाई स्पीड में चल रहे हो वहाँ पे हमको दोनों साथ में नहीं दबाना है। तीनों सिचुएशन आपको समझ में आई। पहली सिचुएशन क्या होती है, जब आपको पहले ब्रेक दबाना है हाई स्पीड पे। अब दूसरी सिचुएशन आती है, आपको पहले क्लच दबाना है लो स्पीड पे। अब एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जो पैनिक सिचुएशन आ जाती है, जब आप इमरजेंसी ब्रेक लगाते हो, आपकी गाड़ी नॉमिनल स्पीड पे चल रही हो, 30 के आसपास चल रही हो, अचानक से सामने कोई आ जाए, आपको एकदम से गाड़ी रोकनी, तो आप एकदम से ये दबा दोगे। इससे क्या होगा, आपकी गाड़ी बंद भी नहीं होगी और गाड़ी आपकी रुक भी जाएगी और सामने होने वाला एक्सीडेंट भी होते होते बच जाएगा। आई होप आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।